तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है और आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक नया स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि इंडियन मोबाइल मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और रेडमी की तरफ से ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है जो कि इंडिया पर सबसे ज़्यादा बिकता है। तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा मार्केट करेगा क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन आपको बेहतर मिलने वाला है, यहाँ पर कैमरा आपको ज़बरदस्त मिलेगा और गेमिंग फीचर्स आपको तगड़ा मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में मैं आपको डिटेल्स मैं बताने वाला हूं कौन सा ये फोन कौन सा फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहा है और कब तक इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। देखिए आपको याद होगा रेडमी जो है 9 सीरीज अपना नंबर सीरीज का जो 9 सीरीज है वो इंडिया पे ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। और रेडमी का 9 सीरीज में काफी सारा स्मार्टफोन आ चुका है, जैसे कि रेडमी 9 प्राइम, रेडमी 9 पावर और भी एक दो हो सकता है, नाम याद नहीं है। बट यहां पर रेडमी 9 का सक्सेसर रेडमी 10 सीरीज इंडिया पे लॉन्च कर रहा है और इस बार डिजाइन के साथ जो है आपको फीचर्स में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। सबसे पहले रेडमी 10 सीरीज का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 3 कलर वेरिएंट में आपको फ़ोन देखने को मिल रहा है और तीनों कलर देखने में काफ़ी अच्छा है, बट जो रेनबो कलर है वो देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको जो बैक पैनल में कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है, इस बार कैमरा पैनल का डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है, इस बार चेंज कर दिया है, क्वाड कैमरा है। और यहाँ पर आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा है देखने में, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो यहां पर इस बार जो है आपको सेंटर पंच होल के साथ जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो देखने में काफी अच्छा है फोन, डिजाइन के मामले में कोई भी कमियां नहीं रखा है इस बार रेडमी। और रेडमी 10 में इस बार डिजाइन के साथ आपको फीचर्स में भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्ले से। इस बार आपको जो है FHD+ रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 6.5 इंच के आसपास रहेगा। इसमें आपको Gorilla Glass 3 का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले होने वाला है, IPS LCD पैनल मिलेगा और यहाँ पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, रेडमी 9 सीरीज में ये हमें देखने को नहीं मिला था, बट इस बार इंप्रूवमेंट किया गया है, आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में किसी भी तरह का कमियाँ नहीं है। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं गेमिंग फीचर्स का, तो यहाँ पर चिपसेट जो दिया जाएगा वो MediaTek की तरफ से रहने वाला है, जो है MediaTek Helio G88 चिपसेट। जी हाँ, इससे पहले ये वाला चिपसेट इंडिया पे किसी भी मोबाइल में यूज नहीं किया गया है, ये एक नया चिपसेट है मेरे ख्याल से और सबसे पहले रेडमी का 10 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा जो है MediaTek Helio G88। और इसमें आप गेम काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि ये वाला चिपसेट जो है हाइपर इंजिन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। तो ये गेमिंग चिपसेट आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। इसलिए गाइस बात करते हैं कैमरा का, ये फ़ोन कैमरा पर्पज़ के लिए भी काफ़ी बेहतर होने वाला है क्योंकि इसमें आपको क्वाड कैमरा मिलेगा जिसमें प्राइमरी लेंस मिलेगा 50 मेगापिक्सल का। जी हाँ, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, बाकी 2 मेगापिक्सल का 2 सेंसर आपको अलग से मिलेगा और साथ में LED लाइट भी आपको मिल जाएगा। इसलिए गाइस सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो सुनने में आ रहा है कि 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा यहां पर इस मोबाइल में आपको मिलेगा। बट बात करते हैं अगर बैटरी का, तो यहां पर आपको बैटरी में नाराज नहीं करने वाला है क्योंकि आपको 5000mAh का बैटरी और 18W का आपको फास्ट चार्जिंग इस मोबाइल में मिल जाएगा। तो बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा है, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और टाइप सी का भी पोर्ट आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलने वाला है, साथ में आपको MIUI 12.5 का सपोर्ट इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैं पहले ही बताया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और साथ में आपको फेस अनलॉक और सारे सेंसर, जितना सेंसर मोबाइल में दिया जाता है वो सारे सेंसर आपको इस मोबाइल में मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स के साथ इस मोबाइल को जो है इंडिया पे रेडमी बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है, जो कि रेडमी 10 सीरीज का फ़ोन होने वाला है। ये रेडमी 10 होगा या फिर 10 अल्ट्रा होगा ये हम लोग नहीं कह सकते, बट यहाँ पर डिज़ाइन निकल के आ चुका है और लगभग सारे फीचर्स भी यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो लगभग ये सारे फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाला है, बट जो फीचर्स मैंने आपको बताया वो सारे के सारे लीक्स के ऊपर था, कुछ भी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है। बट इसमें से 90 या फिर 95% जो है आपको वही सेम फीचर्स देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से फीचर्स काफ़ी बेहतर लगा और ये फ़ोन अगर 10,000 के आसपास प्राइस रेंज में इंडिया पे लॉन्च करता है तो मुझे लगता है फोन जो है काफी अच्छा मार्केट करेगा। अब देखते हैं किस प्राइस में ये फोन को लॉन्च करता है और ये फोन मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है इंडिया पे लॉन्च हो जाना चाहिए। बाकी फोन कैसा लगा, फीचर्स कैसा लगा और प्राइस कितना होना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और रेडमी का फोन इंडिया पे बहुत ही ज्यादा बिकता है ये सभी को पता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं और कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।